कर्ज में डूबी कंपनी वोडाफोन आइडिया एक बड़ा फैसला ले रही है। वीआई का कहना है कि कंपनी एफपीओ की रकम से 5G रोल आउट करेगी और अगर ऐसा होता है तो वीआई के लिए ये एक बड़े फायदे का सौदा होगा। वीआई ने बताया कि पिछले 5 साल में प्रमोटर्स ने कंपनी में लगभग 23,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। कंपनी के पास 17 सर्किल में 5G स्पेक्ट्रम है और वो 24 से 30 महीने में 40% सर्किल में 5G सर्विस शुरू करने का प्लान बना रही है। वीआई को उम्मीद है कि 5G रोल आउट से कंपनी के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। टेलीकॉम कंपनी का कहना है कि पिछले कुछ तिमाही से उसके ARPU में भी सुधार हुआ है। वीआई ने बताया कि हमारे पास सब्सक्राइबर्स के अपग्रेडेशन के मौके हैं। नेटवर्क क्षमता ग्रोथ के लिए हम निवेश को जारी रखेंगे। वोडाफोन आइडिया के स्टॉक्स की बात करें तो कंपनी के शेयर्स पिछले 3 महीने में 20% टूटे हैं, लेकिन बीते 1 साल में वीआई के स्टॉक्स में 115% की बढ़त देखी गई है। ब्रोकरेज कंपनी कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का अनुमान है कि वोडाफोन आइडिया का हालिया रकम जुटाने का प्लान अच्छा संकेत दे रहा है, लेकिन शेयर बाजार में कंपनी को इसका कोई फायदा मिलता नहीं दिख रहा। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि वीआई में भारत सरकार की हिस्सेदारी 80% से अधिक हो सकती है, जिससे छोटे निवेशकों के लिए संभावित मुनाफा सीमित हो जाएगा। वीआई ने 10 से 11 रुपए प्रति शेयर पर 18,000 करोड़ रुपए के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी FPO का ऐलान किया है। इस FPO से आने वाला रेवेन्यू का 70% 4G कवरेज, कैपेसिटी एक्सपेंशन और 5G रोल आउट पर खर्च किया जाएगा। अगर वीआई अपने इस प्लान में कामयाब हो जाती है तो ये कर्ज में डूबी इस कंपनी के लिए अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने का एक बड़ा मौका होगा।